ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गुरुदेव दत्त परम सुहृद जनों, आज हम लोगों का पुनः बहुत सौभाग्य है कि अत्यंत पवित्र दिन आज मार्ग शीर्ष के महीने की चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा लग गई है। आज भगवान आदिगुरु दत्तात्रेय भगवान का जन्मोत्सव भी पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। भगवान नारायण की गुरुमूर्ति हैं, जिनका चित्र आपके समक्ष है। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। गुरुदेव दत्त, उत्तर भारत में सामान्य लोग से सामान्य तरीके से गुरु का परिचय लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र मध्य भारत और दक्षिण भारत ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ है। इसलिए मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत में गुरु की आराधना और उनके समस्त अवतारों की आराधना निरंतर होती रहती है। भगवान शिव के इस शिवालय में, उनके पवित्र मंदिर में, भगवती राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी नारायणी शिवा कात्यायनी के आशीर्वाद और कृपा से भगवान विष्णु के दो जो प्रमुख अवतार हुए हैं, जो उत्तर भारत में हुए हैं, भगवान का रामावतार और कृष्णावतार, उसमें रामावतार की जो पृष्ठभूमि है वो हम लोगों के निकट अधिक है, अयोध्या के पास होने के कारण। इसलिए भगवान राम का, माँ भगवती लक्ष्मी, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का स्वरूप यहाँ विद्यमान है, आप लोगों के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध है। आज मंगलवार भी है, हमारे सब लोगों के आदरणीय साक्षात हनुमान स्वरूप श्री बाबा नीम करौली जी महाराज और उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी का विग्रह और यह मंदिर न केवल देश में, विदेश में, सब जगह लोक कल्याण के लिए लोगों का हित कर रहा है। लाखों करोड़ों लोग श्री हनुमान जी और भगवान की आराधना करके अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। आज के दिन इसलिए मार्ग शीर्ष पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष का महीना ही भगवान विष्णु को समर्पित है। हमारे यहाँ भगवान ने जब अपनी गीता में विभूतियों का वर्णन किया, तब उसमें महीनों में कहा मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ, मैं मार्ग शीर्ष हूँ। ये जो महीना अभी चल रहा है, कल आज पूर्णिमा हो जाएगी, तो कार्तिक और मार्ग शीर्ष ये दोनों विष्णु को समर्पित हैं। जैसे सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है आराधना की दृष्टि से, भक्तों को आराधना के लिए महीनों का तय हो जाने से थोड़ा सा अनुकूलता हो जाती है कि उस महीने में उस देवता विशेष की आराधना कर लेते हैं। उसके पीछे ऋषियों के द्वारा बनाए हुए रहस्य हैं, आवश्यकताएं हैं, उस पर क्यों है उस पर चर्चा बहुत बाद में की जाएगी। आज तो गुरुदेव भगवान दत्त का ही स्मरण करेंगे, पहले उनको प्रणाम करते हैं गुरु को। ये भगवान की, विष्णु की आदि गुरुमूर्ति है। सतयुग में भगवान के छठे अवतार के रूप में इनका वर्णन महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों में मिलता है। छठे अवतार हैं, प्रारंभ में राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि से पूर्व का इनका अवतार है। और यह गुरु की मूर्ति अजर अमर अविनाशी है, आज भी वो उसी तरह कार्यरत हैं, आज भी इनके दर्शन होते हैं, आज भी लाखों सिद्धों की परंपरा इनके पीछे है, जिसमें शैव हैं, वैष्णव हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, कोई ऐसा गुरु तो पूर्ण होता है, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा से ही समस्त सृष्टि उद्भूत हुई है। और गुरु भी पूर्ण होने के कारण, आत्मस्वरूप होने के कारण, वो समस्त मार्गों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है, समर्थ है।
हम लोग गुरु पंचकम ये है इसको पढ़ लेते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः एंकार हिंकार रहस्ययोक्तम् श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्नि होत्राग्नि हविष्यकृत होमादि सर्वाकृति भासमानम् यत् ब्रह्म तत्त्वोद्भवितारिणीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादि सर्प व्रजगारुडाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् दूतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् स्थिर भक्तिदाभ्याम् जाड्याभि संसोषण वाघवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुपाभ्याम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहस्य दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुदेव दत्त गुरु अजर अमर अविनाशी होता है। गुरु किसी मानवीय शरीर में नहीं है। आकाश का भी जो कारण है, पंच महाभूतों का भी जो कारण है, जो आत्मस्वरूप है, सृष्टि प्रपंच में रहते हुए जो सृष्टि प्रपंच से रहित है, चराचर जगत में व्याप्त होकर के भी जिसका आधार होकर के भी वो आधारहीन है, निराकार होकर के भी समस्त संसार साकार ब्रह्म को धारण करता है, वह गुरु नित्य विलक्षण है, अद्वितीय है। ईशा देवा दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वही व्यापक तू श्रुतिशारा अनसुईयाय त्रिकुमारा अनसुईया नंदन अत्रि नंदन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सप्तर्षि हैं उसमें अत्रि ऋषि और मानसुईया हैं। मानसुईया पतिव्रताओं में महाश्रेष्ठ हैं। आज तक जितनी ख्याति सीता जी की माँ पार्वती की है उतनी ही ख्याति पतिव्रताओं में मानसुईया की है। अनसुईया अत्रि कुमारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा काशी स्नान जप प्रतिदिवसी। गुरु की दिनचर्या करी करविरी सही है भिक्षार्थ फेरी। आधे क्षण में चराचर जगत की परिक्रमा कर लेते हैं। आधे क्षण
में चराचर जगत में विष्णु हैं। विष्णु का तात्पर्य ही है कि चराचर जगत में जो व्याप्त परमात्म तत्व है वही विष्णु है। काशी स्नान जप प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षसी निर्मल नदी तुंगा जल प्रासी निद्रा माहुर देसी ऐसा ये बा देवा दिगंबरा। प्रातः काल भगवती गंगा के तट पर काशी में स्नान गंगा में और भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार। यहाँ से फिर चले जाते हैं दक्षिण कोल्हापुर में विट्ठल, जहाँ विट्ठल भगवान का निवास है पंढरपुर में, वहाँ पर चंद्रभागा के किनारे इनके मस्तक पर वैष्णवी तिलक लगाया जाता है। हजारों सिद्ध भक्त प्रतीक्षा करते रहते हैं, किसी किसी भाग्यशाली को दर्शन भी हो जाते हैं। दोपहर में कोल्हापुर में भगवती महालक्ष्मी का स्थान है माँ का, वहाँ भिक्षा मांगते हैं। सन्यासी हैं इसलिए भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगते हैं। दोपहर की भिक्षा माँ से वहाँ ग्रहण करते हैं। वहाँ के लोगों को यह अनुमान रहता है कि गुरु किसी न किसी रूप में भिक्षा मांगने अवश्य आएंगे, इसलिए वह जो भी वहाँ भिक्षा मांगता है सबको वो भिक्षा देते हैं कि पता नहीं इसमें गुरु कौन है। कोल्हापुर भिक्षेसी माहुरगढ़ में माँ अनसुईया का रेणुका माँ का स्थान है। परशुराम जी की जो माता है माँ रेणुका है, वहाँ पर माँ को वचन दिया हुआ है इसलिए थोड़े समय के लिए विश्राम के लिए माँ के स्थान पर माहुरगढ़ जाते हैं। निद्रा माहुर देशी झोली डाले बाम करी त्रिशूल डमरूधारी। बाएं कंधे पर झोली लटकी हुई है, झोली डाले बाम करी त्रिशूल डमरूधारी भक्तांबरद सदा सुखकारी देसिल मुक्ति चारी। चारों मुक्ति तो ऐसे ही प्रदान कर देते हैं जैसे हम अपने जेब से निकाल कर आप लोगों को सिक्का दे देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो गुरु के कृपा से ही, देना भी हाथ क्रिया की भी आवश्यकता नहीं है, कृपा दृष्टि से। गुरु जिस पर एक बार कृपा से देख लेता है, जाके कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। जिसकी कृपा से ही भक्ति का उदय होता है और ज्ञान का उदय होता है और मोक्ष स्वतः उपलब्ध हो जाता है जिसके लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं, वह गुरु की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हो जाता है। पाई पादुका जप माला कमंडलो मृग छाला। सदैव गुरु का स्वरूप एक सन्यासी का है, भिक्षुक का है, शिव का स्वरूप है। भगवान शिव में और इनमें एक जरा सा भी अंतर नहीं है। जिसको दर्शन होते हैं वह यह ज्ञात नहीं कर सकेगा कि यह शिव है या विष्णु है या शिव और विष्णु दोनों हैं या हरिहर हैं, ये नारायण है, ये कौन है। पाई पादुका जप माला कमंडलो मृग छाला धारण कर सीबा देवा नाग जटा मुकुट शोभ तो माथा ऐसा ये बा देवा दिगंबरा देवा दिगंबरा। तत्पर तुझे आया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी बास करी दिन रजनी रक्षिस संकट वारुणी। संकट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है,
सारे भक्त इनके कृपा दृष्टि में बने रहते हैं। यमराज पूछते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान के गुरु के भक्तों की रक्षा गुरु इस तरह सशक्त भाव से करता है, इतना वह अपने भक्तों की रक्षा के संबंध में इतना सुदृढ़ रहता है, इतना सावधान रहता है कि एक बार काल को भी पूछना पड़ता है कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है। इसलिए निसंकोच होकर के गुरु के आश्रय में अपनी लौकिक यात्रा पूरी करो। संसार की यात्रा को गुरु के आश्रय में, ईश्वर के आश्रय में पूरी करो। ये जो कर्म प्रवाह है, ये अपने स्वरूप में आते जाते रहते हैं, वह तो होंगे ही। जाड़े का महीना है तो ठंड भी होगी, गर्मी हो तो गर्मी होगी, उस पर कोई विषय चिंतनीय नहीं है। चिंतनीय यह है कि हम गुरु का कितना स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर के कितने निकट हैं, और गुरु और ईश्वर कहाँ है। फिर प्रश्न फिर वही होता है, जिसका इतना महात्म्य है उसकी लोकेशन बताइए, लोकेशन बताइए, मिले उसे। तो ऋषियों ने, महर्षियों ने सबसे पहले, उस दिन भी हमने यही चर्चा की थी कि गुरु और ईश्वर की नियरेस्ट लोकेशन आपका हृदय है। आपके शरीर में, आपके हृदय में ही उस परमात्मा का, गुरु का निवास है। वहीं उससे बात कर लीजिए, वहीं उसको कॉल करिए, वहीं मिस्ड कॉल करिए। फोन उठाने में, पिताजी को फोन करने में, ड्राइवर को फोन करने में टाइम लगेगा। वह तो आपके हृदय में ही विराजमान है, उसका स्मरण करने में कितना टाइम लगेगा। जब आप उसका स्मरण करते हैं तो वह उपलब्ध हो जाता है। इसलिए गुरु और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी रहिए, जिस समय भी रहिए, अपने हृदय में ही उस ईश्वर को धारण किए रहिए, उसका स्मरण वहीं करिए। अब हम लोग भगवान दत्तात्रेय जी का जो थोड़ा सा चरित्र और महात्म्य की चर्चा करेंगे। मैंने कुछ समय पहले एक अवधूत गीता, भगवान दत्तात्रेय द्वारा विरचित एक कार्तिकेय स्वामी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था, अवधूत गीता, उसका मैंने संपादन किया था। वो पुस्तक उपलब्ध है, बहुत पुरानी हो गई थी इसलिए उसकी कोई शुद्ध प्रति नहीं थी, इसलिए संशोधन करके उसको मैंने प्रकाशित भी किया हुआ है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के जो आचार्य हैं उसमें आदिगुरु दत्तात्रेय भगवान का नाम प्रथम है। गुरु परंपरा का उच्छेद हो जाने के बाद, सामान्यतः ऐसा होता है कि जब प्रलय हो जाती है और सृष्टि फिर से बनती है, पांडे जी, जब सृष्टि का निर्माण होता है और ब्रह्मा जी का सृजन होता है, और ब्रह्मा जी के द्वारा जब पुनः सृष्टि होती है, तो सृष्टि के सारे उपाय उसमें करने पड़ते हैं। गुरु परंपरा का उच्छेद भी हो जाता है, सारे ऋषि महर्षि भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के शरीर में प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा के शरीर को, ब्रह्मा विष्णु के शरीर में। कुर्सी उधर ले लो, वहां कुर्सी रखी, बैठो। उस समय वैदिक धर्म की रक्षा और श्रुतियों को पुनः स्थापित करने के लिए, वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान नारायण ही ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए, श्रुतियों की स्थापना करने के लिए आदिगुरु दत्तात्रेय के रूप में आए। अनुसुईया और अत्रि सप्तर्षि हैं, बहुत हजारों वर्ष तक इन्होंने ईश्वर की आराधना की। और इसमें भागवत में ऐसा मिलता है कि अत्रि ऋषि ने ईश्वर को देखा नहीं था, उन्होंने ये कल्पना की थी कि जो इस सृष्टि का सृजन करता है और जो इस सृष्टि की रक्षा करता है और ये जो सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है, परमात्मा की ये तीन कार्य प्रसिद्ध हैं कि सृष्टि की रचना, सृष्टि की को पालन पोषण करना और सृष्टि जिसमें विलीन होती है, ये तीन कार्य परमात्मा के ऋषियों के द्वारा पहले से बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा जो ऐसा परमात्मा है उसी की हम आराधना करते हैं। वह परमात्मा कैसा है उसको हमने अभी देखा नहीं है,
तो अत्रि और अनसुईया जो है वो इसी तात्पर्य से सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, इस आराधना कर रहे हैं। तो तीनों देवता उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो अत्रि ने पूछा ऋषि ने कि आप तीनों लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं ही वो तीन देवता हूँ जो ये कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर तो उनके उपसंहार करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो जाना नहीं था और मैंने आराधना तो इसी उद्देश्य से की थी। आप लोग आए हैं तो मेरे पुत्र हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे पिता ने कहा है कि तुम सृष्टि करो। अब हमारे समझ में नहीं आता कि हम सृष्टि कैसे करें, इसलिए आप तीन देवता आए हो तो मेरे पुत्र हो जाओ। तो ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि और अनसुईया के जो पुत्र हुए हैं वो सोम ऋषि हैं, जो चंद्रमा है। भगवान विष्णु ने कहा मया तुम दत्त, मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया, इसलिए उनका नाम दत्त पड़ा। और अत्र के पुत्र होने से आत्रेय कहलाए। हमारे यहाँ ऋषियों के जो पुत्र होते हैं उनका पिता के नाम से, अत्र के पुत्र होने से आत्रेय कहलाए। तो शुरू में दत्त, बाद में आत्रेय और कालांतर में दत्त और आत्रेय मिलकर के भगवान दत्तात्रेय हो गए। और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। ये तीन सगे भाई हैं, जो चंद्रमा है वो सोम ऋषि, और भगवान विष्णु के जो अंश से भगवान आदिगुरु दत्तात्रेय, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी। तीन सगे भाई हैं। मां अनसुईया ने इन तीनों देवताओं को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, स्तन पान कराया और लालन पालन किया। कितनी बड़ी तपस्या की पराकाष्ठा है कि तीनों देवताओं को भगवती ने पुत्र बना दिया और उन्हें स्तनपान कराया और उन्हें तीनों देवताओं को अपने पुत्र के रूप में संसार में विख्यात कर दिया। तो दुर्वासा जी भगवान शंकर के अंश होने के कारण से उन्मत्त वेश में रहते हैं, वहाँ बहुत क्रोधी स्वभाव के भी हैं और उन्मत्त भी रहते हैं। सांभवी विद्या के आचार्य हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो संसार के लिए बड़ा उपयोगी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मार्ग भिन्न है और चंद्रमा में काम की अधिकता है, मन की उत्पत्ति हुई है चंद्रमा की, भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत स्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। तो चंद्रमा को भी कहा गया कि आप गुरुपद नहीं प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर काम की अधिकता है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे जो मध्य में विष्णु भगवान के अंश से भगवान दत्त हैं यही गुरु रूप में रहेंगे और हम तीनों भाई इन्हीं के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के अंश से दुर्वासा जी तीनों भगवान दत्त में संग्रहित हो गए और भगवान दत्तात्रेय गुरुओं के आदि गुरु। इनका कृतयुग में, सतयुग में, इसमें बहुत से उपनिषद मिलते हैं। दत्तात्रेय उपनिषद मिलता है, भागवत आदि में, पुराणों में मिलता है, मार्कंडेय पुराण में मिलता है, पांचरात्र संहिता आदि में मिलता है, हरिवंश पुराण में, उपनिषदों में आदि मिलता है। ये महायोगी हैं और महाज्ञानी हैं। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या के उपदेशकों में इनका नाम सर्वोपरि है। इनके पौराणिक शिष्यों में जो है प्रहलाद जी इनके शिष्य हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, राक्षस थे, लेकिन विष्णु के आराधक थे और विष्णु के आराधक होने के कारण ही हिरण्यकश्यप उन्हें लगातार दंडित करता रहता था। तो प्रहलाद जी से बार बार हिरण्यकश्यप कहता था कि तू जिस विष्णु को कहता है वो विष्णु कहाँ है? बोले वो तो सब जगह व्याप्त है, कौन ऐसी जगह नहीं है जहाँ विष्णु नहीं है। कहता इस खंभे में भी है। मारने के सारे जब प्रयास उसके निष्फल हो गए तो स्वयं कहा कि मैं स्वयं ही इसको मार देता हूँ। जब खंभे में कहता है तो कहते हैं प्रहलाद कि हाँ खंभे में भी है। तो खंभे पर जब एक घूसा मारता है तो उसमें से खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं।
प्रहलाद और महाभागवतों ने बार बार, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखाया, राम सीता को अंदर दिखाया। अब सब लोग, हम लोग हनुमान जी की रोज आराधना करते हैं, लेकिन कहा जाए अपना जरा सीना फाड़ के दिखाओ कि हनुमान जी तुम्हारे अंदर सीने में है, तो बोले कि जरा अस्पताल में ब्लड चेक करवा लो, डायबिटीज है कि नहीं। तात्पर्य यह है कि हम भौतिक शरीर से और हमारी निष्ठा का स्तर वो नहीं है जिसमें आत्मनिष्ठा से हम ईश्वर को धारण कर सकें। महाभागवतों ने बार बार ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए समाज में, आज समाज में इतने साधु हैं, इतने महात्मा हैं, इतने लोग जो है वो प्रवचन कर रहे हैं, किसी से कहो कि ईश्वरवाद की अवधारणा के लिए या ईश्वर के किसी प्रमाण के लिए वो अपना बलिदान दे दे या साक्षी भाव से अपने को उपस्थित करें। कबीर आदि ने अभी तक प्रस्तुत किया। कबीर जब आए तो फिरोज शाह तुगलक जा रहा था, फिरोज शाह तुगलक उस समय दिल्ली से जा रहा था बनारस, कलकत्ता जा रहा था। बनारस जब पहुंचा तो लोगों ने कहा साहब यहाँ एक फकीर ये है, ये हिंदुओं को भी गाली देता है, मुसलमानों को भी गाली देता है, और इसको आप दंडित करिए। तो उसने हुक्म दिया कि पकड़ लाओ उसको, कौन ऐसा है यहाँ फकीर है। तो जाके उसके जब हुक्म सुनाया गया तो कबीर ने कहा भाई मैं तो किसी राजा वाजा को मानता नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। तो लोग आप देखिए ऐसे ही करता है, किसी को सुनता ही नहीं। तो उसने हुक्म दे दिया कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। कबीर को सैनिक चले गए, कबीर को बांध दिया, जंजीरों में बांध दिया गया और गंगा जी में डुबो दिया जाए, काशी में गंगा जी में कबीर को डुबा दिया जाए, जंजीर बांध कर पत्थर बांध कर डाल दो। यही हुआ। अब काशी पूरी रोने लगी, चिल्लाने लगे, बेचारा महात्मा है, जैसे भी है बोलते हैं, सुधार के लिए बोलते हैं, लेकिन महात्मा ही है। उनको जंजीरों में बांध करके काशी में पत्थर से बांध करके गंगा जी में डाल दिया गया, और लोग तमाशा देखने के लिए चिल्लाने लगे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो बड़ा सुंदर एक पद लिखा है उसमें कबीर ने कि मन न डिगे तन काहे को डराई, मन न डिगे तन काहे को डराई, और राम चरण मन रहो समाई। गंग गोसाई गहिर गंभीर है और जंजीर बांधे खड़े कबीर। गंग गोसाई गहिर गंभीर, गंगा जी को गोसाई, ब्राह्मण गंगा जी गाय एक ही जाति के हैं, इसलिए उसको लिखा कि गंगा जी। गंग गोसाई गहिर गंभीर और जंजीर बांधे खड़े कबीर, और गंगा की धार टूटी जंजीर और मृग छाला पर बैठे कबीर। कहें कबीर कोई संग न साथ, जल थल में राखें रघुनाथ। कहें कबीर कोई संग न साथ और जल थल में राखें रघुनाथ। मन न डिगे तन काहे को डराई। अगर मन में ईश्वर की दृढ़ निष्ठा इतनी है तो शरीर तुझे डरने की क्या जरूरत है। वह तो गंगा में भी वही विद्यमान है, जंजीर में भी वही विद्यमान है, और जो फिरोज शाह तुगलक तुझे हुक्म दे रहा है उसके अंदर भी वही बैठा हुआ है। तो हमारे यहां संतों ने सिद्धों ने बार बार समाज में इसका प्रमाण दिया। ऐसे वो सिद्ध नहीं हुए, आज उनकी अमर ख्याति इसलिए नहीं है, क्योंकि जब तक उस जिस चीज का आप पालन करते हैं उसको दृढ़ता से संसार में समाज में उसको स्थापित करते हैं। इस तरह से प्रहलाद जी का जो भी थोड़ा चरित्र का हम लोगों ने सोचा वर्णन कर दें, महाभागवत है। प्रहलाद जी को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश किया। सहस्त्रार्जुन एक बहुत बड़ा राजा हुआ है जिसकी 1000 भुजाएं हो गई थी। वो जब उज्जैनी का राजा हुआ तो ये मार्कंडे पुराण की कथा आती है, जब वो उज्जैनी का राजा हुआ तो उसने कहा भाई मैं सामान्य राजा नहीं होना चाहता कि 2-4 साल राजा रहूं, इसके बाद लोग मुझे दूसरे राजा मार दें और हम पराजित कर दें। तो उनके गुरु गर्ग ऋषि ने कहा कि इसमें भगवान नारायण का अवतार हुआ है, उस सह्याद्री पर्वत पर निवास करते हैं दत्त गुरु, उन्हीं की सेवा करो। वहां चला गया वो गुहित तपश्चर्या में भगवान दत्तात्रेय रहते हैं, उसने उनकी सेवा करना शुरू किया। वो भगा देते थे भागो यहाँ से, तो मानता नहीं था, लकड़ी लावे ईंधन लावे कुछ करे करे करे। तो अंत में उसने क्या मांगा, 1000 भुजाएं मेरे युद्ध में हो जाएं, तो भगवान ने दे दी।
आकाश पाताल में मैं योगी हो जाऊं, तो सहस्त्रार्जन योगी योगी था। आकाश पाताल में सब जगह जाता था, युद्ध में उसकी 1000 भुजाएं हो जाती थी। वाल्मीकि रामायण में और मार्कंडेय पुराण में विस्तृत कथा मिलती है। नर्मदा में स्नान करता था तो नर्मदा को अपनी भुजाओं से उसके जल को रोक देता था, बाध की तरह से नहाता था 6 महीना, तो अपनी भुजाओं से नर्मदा को रोक देता था, तो नर्मदा में पीछे बाढ़ आ जाती थी। वो स्थान आज भी इंगित होता है जहां पर सहस्त्रार्जुन का वो स्थान है, उसको भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। इस तरह से अलर्क आदि जो पौराणिक है। बाद में तो बहुत लोग शिष्य हैं, आदिगुरु दत्तात्रेय की जो सिद्ध परंपरा है, बहुत सह्याद्री पर्वत जो भगवान जो त्र्यंबकेश्वर भगवान का जो शिवलिंग है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जो महाराष्ट्र में जहाँ से गोदावरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है ये सह्याद्री पर्वत का मुख है, और ये सह्याद्री पर्वत जो है गुजरात होते हुए पूरा जाता है। इस सिद्धों की इसमें शैव हैं, वैष्णव हैं, माउंट आबू पर्वत, गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत में सबसे ऊपर जो है दत्त शिखर है, जहाँ भगवान गुरु की दत्त पादुकाएं हैं। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर दत्त शिखर है, नीचे गुरु गोरक्षनाथ का टीला है, गोरक्ष शिखर है। आज के समय में श्रीपाद श्री वल्लभ, वासुदेवानंद सरस्वती, नरसिंह सरस्वती, शिरडी के साई बाबा, अक्कलकोट स्वामी, अघोरी बाबा कीनाराम, समर्थ गुरु रामदास, जितने लोग हैं ये सब भगवान दत्तात्रेय के शिष्य। श्रीपाद श्री वल्लभ और नरसिंह सरस्वती और अक्कलकोट स्वामी, ये एक ही सिद्ध महापुरुष के 3 अवतार हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ, उसके बाद नरसिंह सरस्वती जो गाड़गापुर में गुरुचरित में जिनका वर्णन मिलता है, उनके हजारों चमत्कारों से भरा हुआ है, आज भी वो दर्शन देते हैं। कदली वन में अदृश्य हो गए थे, श्रीशैल पर्वत पर जो श्रीशैल पर्वत है जहाँ भगवान मल्लिकार्जुन विराजते हैं, वहाँ पर ये श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन की जो कदली वन गुफा है जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं कृष्णा नदी के तट, उसमें नरसिंह सरस्वती विलीन हो गए थे। 500 वर्षों तक समाधि में रहने के बाद फिर अक्कलकोट स्वामी के रूप में प्रकट हुए, उनकी आयु भी हजारों वर्ष की थी। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी गरुणेश्वर में समाधि है। यह तो साक्षात अपने उनके मुख से प्राण ज्योति निकली और दत्त भगवान के विग्रह विलीन हो गए, मतलब उन्होंने सूचना सबको दे दी दी थी अपने भक्तों को सबको कि मैं इस तारीख को इतने बजे शरीर छोड़ूंगा। सब लोग आ गए थे और पद्मासन में बैठे महायोगी थे, उनके प्राण ज्योति निकली, प्रकाश निकला, और भगवान दत्त का जैसे शिव का विग्रह है वैसे भगवान दत्त का विग्रह जो उनके गुरु उनके उसमें विलीन हो गई। आज भी उनकी जीवित संजीवनी समाधि वासुदेवानंद सरस्वती की है, जो निरंतर सबको उपलब्ध होते रहते हैं। सिद्धों को आप ये न समझें कि वो शरीर से उत्पन्न हुए थे और अब विलीन हो गए हैं। जो निरंतर वायु की तरह व्याप्त है, आत्म की तरह व्याप्त है, वही शिव है, वही सिद्ध है, वही गुरु है। ये तो कपड़ा पहने हम लोग इसलिए इस समय कपड़ा पहन के बात कर रहे हैं, कपड़ा हटा देने पर या इस मंच से उठ जाने के बाद भी मेरा अस्तित्व बना रहेगा। उसी तरह से नामदेव पंढरपुर में भगवान विट्ठल के भक्त हुए, एकनाथ स्वामी, उनके गुरु जनार्दन स्वामी, जो दौलताबाद का जो किला है उस किले में वो सचिव थे, मुस्लिम राजा था जो उसके मंत्री थे जनार्दन स्वामी, उनको भगवान दत्तात्रेय का अनुग्रह प्राप्त था। गणेश जी के अवतार गजानन महाराज एक बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हुए हैं, माणिक प्रभु कर्नाटक के जो माणिक प्रभु हैं जिनकी सिद्ध परंपरा, आदि शंकराचार्य को काशी में दर्शन दिया। जब आदि शंकराचार्य काशी आए तब उनको मणिकर्णिका घाट पर गुरु दत्तात्रेय ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम जाकर के अद्वैत वेदांत की स्थापना करो। उन्होंने कहा गुरु मेरे साथ आप सदैव रहा करिए,
बद्रीनाथ की गुफाओं में व्यास, यहाँ पर भगवान की दत्त गुफा है नर नारायण पर्वत पर, वहां पर आदिशंकर को पुनः दर्शन दिया। समर्थ गुरु रामदास को कौपीन भेंट की। सज्जनगढ़ के किले में समर्थ गुरु रामदास की पादुकाएं और उनकी कौपीन रखी हुई है, दंड रखा हुआ है। तो रामदास को चरण पादुकाएं दी हैं अपने भगवान ने। अघोरी बाबा कीनाराम जो है बनारस के एक सिद्ध महापुरुष हुए थे, जो अघोर पंथ के थे, 300 वर्ष पहले हुए हैं बनारस के पास। इनका क्रिंग कुंड जो है वहां पर इनकी समाधि है। अघोरी बाबा कीनाराम को गिरनार पर्वत में दर्शन दिया भगवान दत्त ने। अघोरी बाबा कीनाराम जो है वो भगवान की तलाश में गिरनार पर्वत गए, फिर वहां से वो जो पाकिस्तान में जो भगवती हिंगलाज है, हिंगलाज के दर्शन के लिए वो जाने के लिए गए। गिरनार पर्वत पर उन्होंने देखा कि एक मलंग पागल साधु ऊपर है, वो कच्चा मांस खा रहा है, और उसने कीनाराम को कहा कीनाराम यहाँ आओ, और प्रसाद अपना कच्चा मांस उनके मुख में डाल दिया। अघोरी थे तो वो लड्डू था, और अघोरी बाबा कीनाराम से कहा कि तुम जाओ हिंगलाज के दर्शन करो, और वहाँ से लौट करके तुम बनारस में क्रिंग कुंड जो भगवती काली का स्थान है वहाँ जाओ, मैं तुम्हें वहीं फिर मिलूँगा। और हरिश्चंद्र जो श्मशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट दो काशी के श्मशान हैं, वहाँ पर जो है वो अघोरी बाबा कीनाराम को भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिया। उस समय वो एक कालू राम, और जब एक साधु आया बड़ा लंबा तंबा, और कीनाराम बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा भगवान आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है कालू राम, कालू राम। तो एक मुर्दा जो है बहता हुआ जा रहा था, तो मुर्दे को उन्होंने आवाज दी साधु ने कि मुर्दे से कहा इधर आ जाओ, तो मुर्दा चला आया। इसके बाद उसके मुख में चना खिलाने लगे, तो मुर्दा चना खाने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम अभी जिंदा हो, मरे नहीं हो, इधर आओ। उस मुर्दे को खोल दिया और अघोरी बाबा कीनाराम के साथ कहा कि तुम्हारा शिष्य है, कि तुम्हारे साथ रहेगा। तो कालू राम की कथा मिलती है अघोरी बाबा कीनाराम, भगवान दत्तात्रेय जिनके हैं, इनके हजारों अवतार हो चुके हैं। एक महावतार बाबा हैं जिनकी बहुत चर्चा आजकल लोग करते रहते, क्रिया योग के में दीक्षा प्राप्त हैं, जिनकी आयु 2000 वर्ष से अधिक है, जो भगवान अगस्त के शिष्य हैं। भगवान शंकर के गले में जो सांप है उनके अवतार हैं क्रिया योग बाबा, महावतार बाबा, जिन्होंने श्यामाचार्य लाहिड़ी को द्रोणाचार्य की जो द्रोणगिरी पर्वत है वहां पर दर्शन दिया था, और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी। श्यामाचार्य लाहिड़ी के बाद क्रिया योग की बनारस में और कलकत्ता आदि में उस परंपरा को आज भी इनके दर्शन होते रहते हैं। यह मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, इसमें लाखों सिद्ध हैं जो शैव हैं, वैष्णव हैं, और सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में। लेकिन गुरु नाम गुरु मतलब यह है कि सामान्य साधु संत जो है चलते रहते हैं, उनका जब स्तर उतना ऊंचा हो जाता है कि वो विष्णु और शिव के स्तर पर पहुंचते हैं, तब उनको गुरु के स्वरूप का बोध होता है। यह थोड़े से महात्म की गुरु की चर्चा हुई। इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। भगवान ये जो है बृहस्पति के जो भाई संवर्त हैं, संवर्त हैं बृहस्पति और संवर्त दो भाई हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वो संवर्त को नहीं मानते थे, दोनों भाइयों में थोड़ा अलगाव हो गया था, पटेदारी भी थोड़ा सी थी, तो संवर्त को उन्होंने कर्मकांड नहीं सिखाया, बृहस्पति तो हो गए देवताओं के गुरु। तो संवर्त जो है वो भगवान दत्तात्रेय के शिष्य होकर के उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम जी को जब रामावतार में परशुराम जी को ये ग्लानी हुई कि मैं किस कैसे भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाया। हम लोग तो थोड़ा सा प्रसंग पढ़ते हैं, परशुराम जी क्रोधित होकर के गए, और जब उन्होंने ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया है किसी ने,
और ये बेवकूफ जनक जो है ऐसा क्यों शर्त रखी है कि भगवान शंकर के धनुष तोड़ने की आवश्यकता की, ऐसा शर्त रखने की जरूरत क्या थी? जनक के पूर्वजों ने भगवान शंकर का जो धनुष है जिससे उन्होंने त्रिपुर का वध किया था, वह उनके पूर्वजों ने भगवान से मांग करके कि अब भगवान आपके इस कार्य के नहीं है और हम लोग आपके स्मृति के रूप में इसको ले जाएंगे और पूजा करेंगे। तो भगवान देवाधिदेव महादेव का जो धनुष था उसको तोड़ने की प्रतिज्ञा करके सीता के विवाह की शर्त क्यों रखी जनक ने? इससे परशुराम जी बहुत नाराज हुए। और दूसरी बात की जब भगवान का रामावतार हुआ उसमें, लेकिन जब रामावतार हुआ और वहां गए और उनका मोह भंग हुआ, उनका अभिमान भी नष्ट हुआ, लक्ष्मण ने कुछ अपशब्द भी कहा, लौटते समय वो बहुत चिंतित हो गए। लौटते समय उनको लगा कि सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान हो गया और अपने ऊपर उनको अधिक ग्लानी हुई कि मैं कैसा साधु हूं कि मैं विष्णु को नहीं पहचान पाया और राम को विष्णु न समझ करके मैं सामान्य जो है राजा समझ रहा था। बैठिए इधर आराम से बैठिए। विष्णु को मैं सामान्य राजा समझ रहा था, लौट रहे थे तो उस समय उनको रास्ते में संवर्त ऋषि ने दर्शन दिया है। तो संवर्त ऋषि पागल अवधूत, ये लोग अवधूत परंपरा के सिद्ध पुरुष है। अवधूत का तात्पर्य है कि जिनका कोई रूपाकार नहीं है, प्रकट हो जाते हैं अप्रकट हो जाते हैं, जैसे बिजली बादलों में चमकती है और फिर अदृश्य हो जाती है, वैसे गुरु स्वरूप में दिख करके अदृश्य हो जाता है क्योंकि वह पंच महाभूतों के उसका शरीर नहीं हो तो आत्म स्वरूप से ही प्रकट और प्रकट हो जाना है। जैसे हम आपके जेब में माचिस रखी हुई है और उसमें तीली है, उसमें अग्नि है, अग्नि जो है अभी सुप्त अवस्था में है, आपके जेब में ही रखी हुई है, लेकिन आप बाहर निकालें और माचिस को अगर आप जलाएंगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि को अप्रकट अवस्था में आप जेब में रखे हुए हैं और प्रकट अवस्था करके आप उसे खाना भी बना लेते हैं। यहाँ पर अग्नि का प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही केवल एक क्रिया मात्र है। उसी तरह गुरु का प्रकट होना, शरीर में धारण कर लेना और अदृश्य हो जाना उसका एक क्रिया मात्र है। इसमें कोई ये नहीं है कि वो तो हजार वर्ष पहले मर चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं तो कैसे अभी प्रकट हो गए। अरे मर कहाँ चुके हैं, मरने शब्द जो है ये तो शरीरों के संबंध में मृत्यु की कल्पना की गई है, आत्मा के संबंध में कभी भी मृत्यु और जन्म की कोई कल्पना नहीं है। तो संवर्त ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु इस समय भगवान गंधमादन पर्वत पर भगवान नारायण का अवतार हुआ है। ये गंधमादन पर्वत जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के बीच में एक स्थान है जो अनसुईया माँ का आश्रम है। वहाँ आज भी अनसुईया जी का आश्रम है जहाँ पर अत्रि ऋषि और माँ अनसुईया रहती थी सतयुग में, जहाँ भगवान दत्त का प्रथम अवतार माना जाता है। वहाँ भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आज वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आप लोग पहाड़ के हैं तो कभी जाइएगा। जिनको पुत्र आदि नहीं होते हो रहते हैं वो लोग उस दिन वहाँ जाते हैं और एक दिन रात्रि में व्रत रहते हैं और माँ अनसुईया उनको पुत्र प्रदान करती हैं। पहाड़ों में बहुत से लोगों के नाम अनसुईया प्रसाद और इस तरह के नाम मिलते हैं, वो जिनको पुत्र आदि नहीं रहते हैं वो। तो अनसुईया जी का जो मंदिर है वो भगवान के बद्रीनाथ के मंदिर से बड़ा है, पत्थरों का ही। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में चट्टी जगह है, जगह जो अभी जो आपका पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल और इसके जो टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल में जहाँ पर गोपेश्वर भगवान है महादेव, उसी से ऊपर जाके है। ऊपर बहुत बड़ी जो है गुफा है जिसमें कि सामान्य रूप से आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कोई अगर उड़ के जाए तभी जा सकता है। वो अत्रि गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, हिमालय में ही है, बट देर इज नो अप्रोच एंड एक्सेस कि आप जाके उसमें जैसे माउंटेनियरिंग करके चढ़ जाए तो वो चढ़ सकते हैं, चीकड़ बधा हुआ है, अदरवाइज आप यू कैन ओनली फ्लाई। तो वो स्थान है, वहां पर भगवान दत्तात्रेय जो है गंधमादन पर्वत पर विराजमान थे। तो परशुराम जी को संवर्त ने कहा कि तुम वहां जाओ। वहां जब गए तो वहां उनको गंध भगवान के दर्शन हुए। भगवान दत्तात्रेय से उन्होंने यही प्रश्न किया कि ऐसा कैसे बुलाना है, बुला लो बिटिया है ना।
हाँ वो बाजार में ले आ रहे थे, आ जाओ बैठा दो उसकी कुर्सी। गंधमादन पर्वत पर भगवान परशुराम को दर्शन दिया था और वहीं पर उन्होंने उनको श्री विद्या का उपदेश भी किया था और उसमें त्रिपुरा रहस्य में बहुत विशाल ग्रंथ है जिसकी रचना हुई थी। नमस्ते बेटिया, तुम पहचान में नहीं आ रही थी। त्रिपुरा रहस्य बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें भगवती के जो श्री विद्या है उसका उपदेश परशुराम को किया था। परशुराम जी ने उसमें अपने उनके जो शिष्य हैं हरितायन ऋषि, आप इधर आ जाइए भाई साहब, शुक्ला जी आप बार बार लोग आ रहे हैं, आप अंदर आ जाइए। नहीं वो कुर्सी सही बेटा, कुर्सी लाओ उनकी, क्योंकि वो लोग आते जाते रहेंगे आपको दिक्कत हो रही, उठा लाओ। आ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परशुराम जी को श्री विद्या का उपदेश किया था। परशुराम जी ने अपने शिष्य हरितायन ऋषि को उपदेश किया था। हरितायन ऋषि ने दत्त संहिता लिखी थी बहुत बड़ी, आज भी परशुराम कल्प सूत्र मिलता है जिससे श्री विद्या के आचार्य जो है माँ की आराधना करते हैं। जाबाल उपनिषद है जिसमें भगवान दत्तात्रेय गुरु के रूप में उनका नारद पारिव्राजक उपनिषद है, याज्ञवल्क उपनिषद है, भिक्षु उपनिषद है, सांडिल उपनिषद है, दत्तात्रेय उपनिषद स्वयं है, उसमें लिखा है ओम इति व्याहरेत्। ओम कारहीन का स्वरूप है निराकार। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय अस्मण मात्रेण संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत्त पिशाच वेशायेति। बाल उन्मत्त पिशाच की तरह रहते हैं, महायोगिने अवधूतायेति अनसूयानंद वर्धनाय अत्रिपुत्रायेति सर्वकाम फलप्रदाय ओमिति व्याहरेत। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक दिगंबर मुने बाल पिशाच ज्ञान सागर। अवधूत नारायण है लेकिन अवधूत। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक, आत्मज्ञान की परम अवस्था में समस्त संसार का उच्छेद करने पर परम सिद्ध योगी का शरीर अपने आप रहता है, जैसे कपड़ा टांगा हुआ हवा के साथ उड़ता रहता है वैसे योगी अपने शरीर के संबंध में भी वाह्य वस्तु समझकर त्याग देता है और उसका शरीर भी प्रारब्ध कर्म के अधीन रहता है। दूसरे लोग उसको खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहना देते हैं या लिटा देते हैं, वह शरीर से अलग होकर के रहता है। जैसे हमारा कपड़ा ही टांग दिया जाए तो अलग रहता है, जब तक हम शरीर में कपड़ा पहने हुए तब तक हम अपने उसको संतुलित रखते हैं। तो जो उन्मत्तानंद, तब उसमें उन्मत्त अवस्था योगी की सिद्ध की रहती है और वह समस्त रिद्धियों सिद्धियों से युक्त होते हुए मूकवत जड़वत और पागल सा प्रतीत होता है, रहता है वो चक्रवर्ती सम्राट आत्मज्ञान से ओतप्रोत, लेकिन ये भूल जाता है कि ये मेरा ही महल है, अपने महल में जमीन पर लेटा रहता है। कहने का तात्पर्य रहता है कि जो संसार त्रिकाल असत्य है, जो मूर्खों को अज्ञानियों को सत्यवत भास रहा है वह ज्ञानियों को त्रिकाल असत्य भाषित है, ये संसार की कोई सत्ता नहीं है, इस केवल परमात्मा की एकमात्र सत्ता है, केवल ईश्वर की सत्ता है और वही तुम भी हो।
श्वेत केतु तत्त्वमसि सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव स्वरूप की विस्मृति होने से नाटक फैल गया है और भगवती माया ने पूरा नाटक और फैला दिया है। इसलिए मां को प्रणाम करके अपने शिव स्वरूप का अनुसंधान करो, उसी में स्थित हो जाओ। माँ को इसलिए बैठाए हैं कि माँ से कहोगी माँ तुम अपना थोड़ा सा जो अपना माई का आवरण हटा दो, क्योंकि जब तक तुम ये नाटक फैलाए रखोगी तब तक ये चलता ही रहेगा इसे ही, तो तुम ये इसको हटा दो। तो माँ कहती है ठीक है, कोई लड़का उसे अगर ये कहता है माँ तुम हमको टेंशन ना दो, हम तुमको पेंशन देंगे, तुम टेंशन ना दो, तो वो टेंशन नहीं देगी। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थे स्मृता मति मति वसुभां ददाशी दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगस्सो त्वयैकया पूरितयम्बयैत काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। कहके तो देखो अभी हट जाएगी, जैसे हट जाएगी तो बाबा जो बैठे हैं ना बड़ा चमकने लगेंगे। दिगंबरा देवा दिगंबरा देवा दिगंबरा देवा दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा देवा दिगंबरा देवा दिगं महेश्वरा गुरु महेश्वरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा दिगंबरा देवा दिगंबरा दिगंबरा देवा दिगंबरा दिगंबरा देवा दिगंबरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा। अब दिगंबरा देवा दिगंबरा दिगंबरा देवा दिगंबरा महेश्वरा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा त्रिमूर्ति गुरु महेश्वरा दिगंबरा देवा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा महेश्वरा गुरु महेश्वरा। गुरु महेश्वर है, ईश्वर है, आपका अपना ही स्वरूप है, स्वरूप की विस्मृति की पराकाष्ठा है। हम लोग अपने ही स्वरूप को विस्मृत किए हुए, हृदयस्थ परमात्मा जो सच्चिदानंद है, जिसको आप बाहर से समझते शंकर वहां है, वो शंकर आपके हृदय में है, लेकिन अब विस्मृत ऐसा हो गया कि पूछ रहे भैया बताओ शंकर जी कहाँ है। माँ से कहो माँ थोड़ी कृपा करो, तुम हट जाओ तो बाबा अपने आप दिखने लगेंगे। माँ हट जाएगी। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति आदि शंकर ने
कहा दो शक्तियां आवरण शक्ति और विक्षेप। भगवान देवाधिदेव महादेव पर भी विष्णु पर ही उनकी माया के कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए परमात्मा निरावरण है लेकिन भगवान की योग माया से आच्छादित होने के कारण। इसलिए माँ ती हमारे यहाँ आराधना को प्रस्तुत की, जिसको योगियों ने माया कहा उसको भक्तों ने माँ कहा। हम लोग माया नहीं कहते, हम योग माया नहीं कहते। भगवान गीता में भले माँ को योग माया कह देते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, लेकिन हम माया नहीं कहते, हम कहते हैं माँ। माँ तू मेरी माँ है, अपने पुत्र को क्या तू आत्मज्ञान प्रदान न करेगी? तू अपने माइक स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराएगी? तू मुझे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करा, मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करा। तब वो कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिम पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च, वो सब कुछ वही है। तब वो कहती है मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप में ही धारण करती हूँ। तो उसको माँ को अगर प्रणाम करोगे तो वो अपनी योग माया हटा लेगी, बर्दा हट जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो इसलिए तब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोध हो जाए तो आप संसार का त्याग करना है। बोध हो जाए उसके बाद आप आराम से रहिए। हमको पता है कि हम मंदिर आएंगे, उसके बाद हजरतगंज जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे, फिर ये जाएंगे, मालूम सब है, उसके बाद करो जितनी क्रियाएं करना है। लेकिन अगर मालूम ही नहीं है और कहीं जाके हजरतगंज में गुब्बारा खरीद लिया, बैठे रहो वही शाम तक, और शाम हो गई, लोग घर वाले ढूंढ रहे हैं कि भैया लौटा क्यों नहीं, बोले वही गुब्बारा लेके बैठा हुआ है, और जब पूछने लगे कहाँ जाओगे तो बोले हमें घर का पता ही नहीं है। विस्मृति ना हो, स्मृति और आत्मबोध के साथ संसार की यात्रा करो। संसार को छोड़ना और पकड़ना नहीं है, इसलिए ये नहीं होना कि भाई ज्ञान हो गया तो लोग सोचते हैं कि संसार छोड़ देना है, भी पत्नी बच्चों को छोड़ देना है और हमें जाकर के कहीं गुफा में रहना है। हमारे यहाँ अगर क्या ईश्वर अगर गुफा में ही केवल हो और संसार में ना हो तब तो हम उसके छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया का पालन करें। अगर वो सर्वत्र वही है और यहाँ तो बहुत आसान है, भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, घर में रहते हैं, जाड़ा रात पड़ेगी तो घर के अंदर सो सकते हैं, गुफा में कौन सा सोने के लिए कंबल ले जाओगे, वहाँ तो पड़े रहोगे, ठंडा है तो ठंडा है। लेकिन अब आजकल तो महारात्मा लोग गुफा में अपना दिल्ली से बढ़िया कंबल उम्बल लेके जाते हैं और बढ़िया जो है वो सब व्यवस्था के साथ जाते हैं। तो ऐसे भी महात्मा लोग हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है पाखंड फैला रहे हैं, तो उन्होंने गौरी कुंड तक साफ कर दिया पूरा मैदान और नया रिक्रूटमेंट कर लिया। अब वहाँ दूर तक कोई जाता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बोध होना है। बोध कैसे होगा? संसार क्या है ये जान लो, जन्म क्या है जान लो, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, होता कैसे है, कर्म विधान क्या है, कर्म रहस्य क्या है, ऋषियों के पास गुरु के पास बैठ करके इस सब चीजों को जान लो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, आत्मबोध हो जाएगा। जब स्वरूप का धीरे धीरे सनई सनई, एक दिन में नहीं होता, आपको रोज हम ऐसे सालों साल ऐसे आपको समझाते रहे तब भी नहीं समझेंगे। अभी बस 15 मिनट तक जब तक मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही आज निकलेंगे भूल जाएंगे। जैसे जलकुंभी पानी पे हरदम, जितना पानी पर से जलकुंभी हटाओ तो उस समय हट जाएगी, उसके बाद जैसे ही आप हाथ हटा लोगे फिर जलकुंभी पानी पे आ जाएगी। उसी तरह से परमात्मा के संबंध में गुरु जन्म जन्म तक समझाते रहते हैं, आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, तब भी 2 घंटा रहता है, तीसरे घंटे पर वो फिर वैसे भूल जाता है। तो निरंतर आत्मस्वरूप में स्थिति, क्योंकि बौद्धिक जो ज्ञान है वह टिकता नहीं है। बौद्धिक ज्ञान जब समाधि के द्वारा पुष्ट हो जाता है, निरंतर योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ द्वैत वेदांत के बहुत से
देखे जाते हैं सन्यासी गरुआ कपड़ा पहने हैं, डंडा भी लिए हैं और अद्वैत वेदांत पर बोलते भी खूब हैं, बातें भी करते रहते हैं, लेकिन एक बार जरा सा उनका महाराज जी का डंडा छीन लो, देखो क्या करते हैं फिर तुम्हारा। माने क्रोध पूर्ण जागृत रहता है, काम पूर्ण जागृत रहता है, खाली डंडा और कपड़ा लिए रहते। जब तक समाधि के द्वारा, जब तक वास्तविक उपलब्धि के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आपका आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान स्थिर नहीं रह सकेगा। और उसके लिए फिर मौन होकर उसका क्रम है, उसके क्रम है साधना के, साधना के क्रम से गुजरते हुए। लेकिन जब तक पहले तो बुद्धि में ही प्रवेश नहीं है, तो बोले बुद्धि में ही ईश्वर की प्रतिष्ठा कर लो, बुद्धि में प्रविष्ठा कर लो प्रतिष्ठा, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे उसे निकलते हुए अपने आत्मस्वरूप में समाधि में ईश्वर की प्रतिष्ठा करो। और नित्य एक जन्म लग जाए तो कोई बात नहीं, तीव्र मुमुक्षा के द्वारा, तीव्र मुमुक्षा के द्वारा कर्म वासनाएं नष्ट होने पर परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाएगी। इसलिए पहले तो विश्वास रखो, कर्म वासनाओं की उपासना के द्वारा नष्ट करो। कर्म वासनाएं जो है जन्म जन्म की बनी हुई हैं, वो नष्ट होंगी भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करने से। जैसे ऋषियों ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि कोई मणि हो और किसी मजबूत बक्से में रख दी गई हो, बक्सा इतना मोटा फौलाद का है, चद्दर, उसके अंदर मणि रखी हुई है। अब वो चद्दर ऊपर से देखोगे बक्सा तो मणि कहीं दिखेगी नहीं। ताला तोड़ो, चद्दर काटो और बक्सा खोलो, तब देखोगे कि तो मणि तो ऐसे ही चमक रही है। तो आत्मा का परिष्कार नहीं करना है, आत्मा तो स्वयं परिष्कृत है। गंगा स्नान से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होना है, आत्मा तो स्वयं एकमात्र शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। केवल हमारी जो चित्त की वासनाएं हैं उनको नष्ट करने के लिए गुरु का शरण लेकर के ईश्वर की आराधना करनी होती है। दीर्घ काल तक ईश्वर की आराधना करने से कर्म वासनाएं क्षीण होने लगती हैं। उसके बाद जब क्षीण होने लगती है तो दूसरी चीज पैदा होती है, वो है काम वासनाएं। आप देखेंगे जैसे खेत वगैरह जब बढ़िया तैयार आप कर दीजिए, खूब जोत दीजिए, बढ़िया घास फास सब निकाल दीजिए और गेहूं बोने के लिए जब तैयार करिए, तब देखते बड़ी तेजी से घसियों बड़ा तेज उगती है। उस समय गेहूं बोने के पहले फिर घास उग जाती है। तो हमारे यहाँ काम वासनाएं जो है सिद्धों के मस्तिष्क में बहुत जल्दी से उत्पन्न होती है। एक बार अगर आप साफ सुथरा कर दीजिए ना, तब भगवान कहे, तब भगवान भी उसी बीच में आ जाते हैं, पूछें क्या चाहते हैं, तो कहते हैं अच्छा मुझको मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुझे इंद्र बना दीजिए, मुझे ये बना दीजिए, मुझे वो दे। लौकिक इच्छाएं और पारलौकिक इच्छाओं के संबंध में हमारी उस समय रिद्धियां सिद्धियां सब प्रकट हो जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सारी, क्या छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। तो लोग सोचते हैं महात्मा लोग कि भाई कुछ तो चमत्कार दिखाते नहीं है, बिना चमत्कार दिखाए कोई साधु तो होता नहीं, हो नहीं सकता है। जब तक कुछ चमत्कार दिखावे, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, अदृश्य हो जाए, लड्डू पैदा कर दे, तमाम चमत्कार दिखावे, तब तो साधु मानेंगे। खाली बोलता रहे तो उसे कौन मानेगा। तो हमारे यहाँ जब जैसे ही आप सिद्धियों के चक्कर में पड़े हैं, वैसे ही ईश्वर कहता ठीक है, इसको खिलौना मिल गया, बच्चे खिलौने से खेल रहा, आप चलो घर चलते हैं, ये शाम तक ऐसे ही करेगा। तो मन सिद्धियां भी जो है मन 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 का आविष्कार है, मन के अंतर्गत ही है, और मन परमार्थ तब मन परमात्मा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जब कर्म वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, काम वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और सिद्धियों का भी उदय होता है, तो सिद्धियों को भी दूर से नमस्कार करना पड़ता है। जैसे आप जब जिस स्तर पर पहुंचते हैं तो लोग सोचते हैं महाराज जी ये ले लीजिए, महाराज जी वो ले लीजिए, तो कहना पड़ता भैया ये तो मैं घर से छोड़कर ही आया हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति में समस्त अनात्म वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। आत्म वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं परमात्मा, तो परमात्मा से इतर जितना कुछ भी अनात्म वस्तु है वह हमारे लिए त्याज्य है। केवल हमारे लिए देवाधिदेव महादेव ही हमारा इष्ट है, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। और वह जो सिद्धि है परमात्मा की प्राप्ति की, जो सिद्धि है वह लौकिक सिद्धियों से उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो सार्वभौम है।
कहाँ भगवान और कहाँ सामान्य रिद्धिया सिद्धियाँ, कहाँ तहसीलदार और कहाँ भगवान, मतलब उसकी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन हम सामान्य रूप से सांसारिक उपलब्धियों के इतने आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे सनई सनई घर में रहते हुए सामान्य रूप से भोजन करते हुए अपने स्वरूप को छिपाए हुए, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, त्रिपुंड लगाना नहीं, चंदन लगाना नहीं, कपड़ा पहनना नहीं, गेरुआ पहनना नहीं, बाहर से कोई जाने ना कि साधु है, बाबा का देखे नीम करोली बाबा का है, कोई जाने नहीं कोई साधु है, कंबल ओढ़े रहते थे। माँ कहती थी कि जब कभी हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे आपके पिताजी आए थे, कितने लोग तो कहते थे महाराज जी को जैसे बनिया है क्या, मतलब जैसे ओढ़े रहते कंबल। साधु जो परमहंस अवस्था में रहता है उस समय किसी भी चिन्ह से वाह्य चिन्ह से पहचाना ना जाए, किसी भी तरह से वो जाना ना जाए, हाँ जब आवश्यकता हो तब उन शक्तियों के माध्यम से वो पहचाना जाए, उन अपनी शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए जब वो करे। तो हमारे यहाँ अवधूत गुरु हैं, अवधूतों की ये परंपरा है। अवधूत शब्द बहुत बार बार आया है, सुखदेव महाराज भगवान अवधूत हैं, भागवत सुखदेव जी अवधूत रूप में आकर सुनाते हैं। हम एक अभी इस पर एक बहुत रिसर्च कर रहे हैं, भागवत अध्ययन कर रहे हैं कि सब उसमें अवधूत ही है। और भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की जो कथा आती है एकादश स्कंद में, भगवान दत्तात्रेय की 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, वह अवधूत ही है, ये परम अवधूत है, अवधूत कुल नायका इनको कहते हैं, बाकी सब अवधूत है, अवधूत कुल नायका है। तो इस पर अवधूत कौन है, अवधूत गीता में थोड़ी सी व्याख्या भी की है इन्होंने। अवधूत लक्षण वर्णैर्ज्ञातव्यं भगवत्तमैः वेदवर्णार्थ तत्वज्ञैः वेद वेदांतवादिभिः। अवधूत की परिभाषा, आसापास विनिर्मुक्त आदि मध्यांत निर्मल, अशब्द अवधूत का अ, आसापास विनिर्मुक्त, आत्मस्वरूप में कैसी आशा और कैसी निराशा, न जन्म है न मृत्यु है तो कौन सा हमें टेंशन है, न दुख है न सुख है, तो आशा पास विनिर्मुक्त आधि मध्यांत निर्मल आनंदे वर्तते नित्यम अकारम तस्य लक्षणम। आनंद आत्मा में सच्चिदा आनंद स्वरूप में परमात्मा में आनंद ही आनंद है, इसलिए न आशा है न कोई इच्छा है, न आदि है न मध्य है न अंत है, जो निर्मल निराकार आकाश का भी परम कारण है, दिव्य है, अमृत है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, जो परमात्म संज्ञक है, वही मैं हूँ, उसी में स्थित हूँ, यह अ का लक्षण है। अब वह ब आया, वासना वर्जिता येन वक्तव्यं च निरामयं वर्तमाने सुवर्तेत वकारं तस्य लक्षणम्। वासना वर्जिता, किसी काल में वासना का उदय ही नहीं होता। वक्तव्यं च निरामयं, परमात्मा के अतिरिक्त तो वक्तव्य के लिए कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा की चर्चा के अलावा कोई विषय ही चिंतनीय नहीं है, गुरु और ईश्वर ही चिंतनीय है, संसार असत्य होने के कारण चिंतनीय है ही नहीं। वर्तमाने सुवर्ते तवकारं तस्य लक्षणम्, इसलिए अवधूत वर्तमान में ही चेष्टा करता है, जो वर्तमान में जैसे बच्चा जो आ गया वही है बस, न पीछे कोई है न आगे कुछ है सोच ला। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ब्रह्म परमात्मा ऐसा तो नहीं कि कल नहीं होगा, तो इसलिए हम कल की चिंता करें। जब परमात्मा नित्य और निरंतर है, जो अतीत में था वही, जो वर्तमान में है वह भी, और भविष्य में जो होगा वह निरंतर वही है, तब हमें उसकी चिंता ही क्यों होगी, वर्तमान की चिंता क्यों करें, वर्तमान की और अतीत की किसी की चिंता की आवश्यकता ही क्या है।
फिर धूल धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्तो धुकारस्य तत्र लक्षणम्। धूत अवधु, धूत माने धूल धूसर गात्राणी, हरदम धूल धूसित रहे। कभी बाबा जो है बाबा को कोई चंदन अंदन लगा देता तुरंत पोछ देते थे। धूल धूसर गात्राणी, जिसे सजाने बजाने के लिए शरीर में कोई आकर्षण न हो जाए इसलिए धूल धूसरित रहता है। सब लगे कि कुछ पागल टाइप का है, नहाया ही नहीं है लगता है, लेकिन जबकि महायोगी है। धूल धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, चित्त ही जिसका जल गया है, चित्त है ही नहीं। धूत चित्तो, चित्त के मन अंतःकरण जो चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के पूर्ण रूप से जल जाने से, भस्म हो जाने से, लिंग शरीर दग्ध हो जाने से आत्मस्वरूप में चित्त है ही नहीं, तो धारणा किसकी की जाए? न समाधि है, न ध्यान है, न धारणा है। वह धुकारस तत्स लक्षण, वो धूत धूक लक्षण है। तत्व चिंता धृता येन चिंता चेष्टा विवर्जित तमोयहंकार निर्मुक्त तकार तस्य लक्षणम्। तत्व चिंता, ईश्वर की ही एकमात्र चिंता है, बाकी चिंता चेष्टा विवर्जित है, उसकी और कोई चिंता नहीं है ना कोई चेष्टा है। अहंकार से मुक्त है, पंच महाभूतात्मक देह के समस्त देहाभिमान से मुक्त है। मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। जब कबीर आदि ऋषि कहते हैं मरो है जोगी मरो, माने मरो जियत जियत मर ही रहो। कबीर कहते थे जियत जियत मर ही रहो, फिर नहीं मरण है, जीते जी तू मर जा। माने क्या मतलब, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, कोई गाली दिया एक झापड़ मारा कुछ बोले ही नहीं। माने आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, पेट है कोई चिंता नहीं, कोई किसी की कोई चिंता न होने से जैसे मुर्दा आदमी रिएक्ट नहीं करता है, वैसे साधुओं को कहा गया कि सिद्धावस्था में वो कुछ भी रिएक्शन ना करे, कुछ दिन शरीर का अभ्यास करे ना इस तरह से। तो लिखो उन्होंने, कबीर कहते हैं कि जियत जियत मरी रहो, फिर नहीं मरण है, इसके बाद फिर मरना नहीं होगा, एक बार जिंदा मर जाओ तुम। माने देहाभिमान से मुक्ति, जीवन मुक्ति कही गई है, उसको कहने की उनकी भाषा है, उनका कहने का तरीका है। देहाभिमान को मारने के लिए जियत जियत मर ही रहो कबीर कहते हैं। लोग सोचते हैं कि मरने कह रहे हैं, जियत जियत मर ही रहो फिर नहीं मरना है। जोगी पड़े वियोग कहें घर दूर है, वो पास ही बसत हुजूर तू चढ़त खजूर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट में जीव है दुनिया जाने ना है। परमात्मा हृदयस्थ है, उसी की प्राप्ति इष्ट है अभीष्ट है, संसार का साधन भी वही करने वाला है, संसार उसी का है। बेटा लेके चढ़ा दो, भैया का माला लेके भगवान को चढ़ा दो, ले लीजिए आगे जाके ले लीजिए, भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए माला, नारायण नारायण। तो ये, लेकिन ये बड़ी उच्च अवस्था है, अभी आप लोगों का इसमें नहीं जाना है। अभी हम लोगों का तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, अपना हम लोगों को उतने खाली किताब का माने कबूतर, ख माने खराहा, ग माने गधा, ऐसे सीखना है। अभी तो हम उस बच्चे हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे स्कूल में जो बच्चा पहले जाता है और प्राइमरी है, वही बाद में पढ़ने में तेज हो जाता है, फिर वही हाई स्कूल कर लेता है, फिर वही इंटरमीडिएट कर लेता है, वही एमए कर लेता है, वही टॉप करता है, फिर वो शेक्सपियर हो जाता है, कालिदास हो जाता है, कविता लिखने लगता है। तो ईश्वर मार्ग में क्रमशः सनई 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 परमात्मा की उपासना करने से प्राप्ति होती है, एक दिन में नहीं होता। अभ्यासेन वैराग्येण चिगृह्यते, धीरे धीरे, जैसे बच्चा दूध पीता है, थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध पीता है, पैदा होता है, फिर धीरे धीरे पैर पर चलने लगता है। तो जैसे कोई भी वस्तु क्रमशः चलती है, उसी तरह से ईश्वर प्राप्ति भी क्रमशः होती है।
धीरे धीरे किया हुआ। आप ये ना समझें कि आपने जो एक भगवान को माला चढ़ाई है और एक फूल चढ़ाया है वो व्यर्थ हो गया। ईश्वर को किया हुआ कुछ भी सब मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल बढ़ जाता है। ईश्वर सबसे बड़ा व्यवसायी है, इसलिए हम सबसे कहते हैं कि भाई अगर व्यापार करना है तो भगवान से करो। भगवान बनियों में सबसे बड़ा बनिया है। अगर आपने उसको एक माला चढ़ाई है तो आपको हजार मालाएं पहनाई जाएंगी, चाहे आप चाहो ना चाहो, वो रिटर्न में 1000 माला जाएगी। एक लोटा पानी बूढ़ों को चढ़ाओगे तो पूरा गंगा उधर भेज देंगे, जाओ इसको लड़के को दो। कारण इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। आप पृथ्वी को देखो, किसान जो है क्या बोता है, किसान जो है खेत में एक कुंटल अगर गेहूं बोता है तो पृथ्वी एक कुंटल, अगर उस किसान सोचे कि एक कुंटल क्यों जमीन में डालूं, एक कुंटल अगर बोता है तो कितनी भी खराब जमीन होगी 5 कुंटल तो गेहूं उसमें पैदा हो ही जाएगा। माने एक कुंटल बोया तो 5 कुंटल पाया, 5 कुंटल बोया तो 10 कुंटल आया। पृथ्वी और प्रकृति जो है वस्तु को, जो भी वस्तु हम उसको देते हैं उसको बढ़ा देती है। ईश्वर को आप गाली दो तो 10 गाली भी बढ़ा देगा, तुमको उतनी गालियां भी खूब मिलेंगी। गरियाओ उनको तो गाली भी पाओगे, और अगर भगवान का नारायण का नाम लोगे तो तुम्हारा तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हें भी उतनी मालाएं पहनाई जाएंगी। उसको जो आप दोगे उसको आप समझो कि वो बहुत बड़े आकार में वापस आएगी। इसलिए अगर उसको 10 रुपया चढ़ाते हो तो वो 100 रुपया होकर वापस आता है। बैंक में आप पैसा रखते हो तो FD हो जाता है। तो ईश्वर बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके साथ धीरे धीरे पहले पुण्य बढ़ाओ। अगर तुम अपने को पुण्यवान होना चाहते हो, संसार का सुख चाहते हो, और भी चाहते हो, तो रोज उसको पूरी खिलाओगे तो तुमको रोज पूरी खिलाई जाएगी। चाहे तुम बाद में भूल जाओ और कुछ ना करो, तो कहने का तात्पर्य ये कर्म रहस्य, ये कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान में मनुष्य के द्वारा हुए कर्म ईश्वर के संबंध में बढ़ करके बढ़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर का गुणानुवाद करने से तुम्हारा गुणानुवाद बढ़ जाएगा, उसका यशगान करने से तुम्हारा यशगान बढ़ जाएगा। इसलिए उसी के साथ अपना आनंद से रहो। तो जो संसार की भी हमारे योगक्षेम वहन कर रहा है, हमारे संसार की भी कार्यों की चिंता कर रहा है, क्योंकि भगवान आत्मज्ञान की अवस्था तो उच्च है ही, लेकिन आत्मज्ञान से पहले की भी जो अवस्था है वह भी बहुत उच्च है। क्योंकि जब भगवान की निकटता होती है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने लगता है। उसके मैं तो बल्कि दूसरा शब्द प्रयोग करता हूँ कि वो भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करता है, पक्ष लेता है। कहने में तो बुरा लगता है, लोग कहेंगे साहब भगवान पर आप कह रहे हो पक्षपात करता है, हमारे किसी को मानता है किसी को नहीं मानता। तो कहते हाँ भाई ये है, जो मेरा भक्त है उसको मैं मानता हूँ और तुमको नहीं मानता, क्योंकि तुम मुझे नहीं मानते। तो कृष्ण पर बहुत आरोप लगते थे, भगवान कृष्ण पर अक्सर लगते थे कि आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, आप अर्जुन का पक्ष लेते हैं, अर्जुन का रथ हाँकने के लिए आप तैयार हो गए हैं और हम लोगों को आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बोले हाँ ये है, क्योंकि अर्जुन मेरा भक्त है, मेरा हुक्का भरता है, चीलम भरता है, पारी देता है। गुरु और शिष्य में भक्ति का जो संबंध है क्या है, तो भगवान भी उसको फिर वचनबद्ध हो जाते हैं। संसार के एक संसार तो उनके नियम अंतर ही है। जो पुत्र अपने पिता से, माँ से अधिक प्रेम करता है, माँ और पिता भी अपने उस पुत्र से अधिक प्रेम करते हैं, ये स्वाभाविक है। इसलिए ईश्वर जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो आपका संरक्षण कर रहा है और दृढ़ता पूर्वक कर रहा है। तो एक तो पहले बात ईश्वर को अपने पक्ष में कर लो, तो आप वैसे माल खाओ पियो आओ जाओ, कोई टेंशन ना लो। आपका वो चिंता करना स्वयं चिंता करना शुरू कर देगा, और इसके बाद जब उसकी पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी तो संसार भी मिल जाएगा और वो स्वयं भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है। जब तक नहीं मिला तब तक योग क्षेम हमारा वहन कर रहा है, आपके लिए 1000 कष्ट उठा रहा है, और अगर जब प्राप्त हो जाएगा तो संसार और ईश्वर दोनों ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति सदैव सब कालों में मंगलमयी और कल्याणमयी है, मंगलमयी है, कल्याणमयी है।
किसी काल में ना मे भक्त पुनश्यति, मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं आता, मैं उसको हर प्रकार के संकट से बचा लेता हूं। अवधूतों का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडितो पंडितस्य दीने दीनः सुखिनी सुखवान भोगिनी प्राप्त भोग मूर्खे मूर्खो युवती सी युवा वाग्मिनी प्रौढ़ वाग्मी धन्य है को पितृभुवन जयी यो धूते यवधूत। मौने मौनी, जहां मौनी लोग रहते हैं उसमें वो महामौनी बोलता ही कुछ नहीं। गुणों अगर गुणी लोग रहते हैं तो उसमें गुणवान दिखता है। पंडित लोग रहेंगे जहां खूब बाचाल बोलेंगे उसमें वो महापंडित की तरह दिखता है। जहां अगर कोई बेवकूफ रहते हैं दीने दीना, जहां भिखारी सब बैठे रहते हैं उन्हीं भिखारियों में बैठा रहता है, तो सारे भिखारी सोचते हैं कि नया भिखारी कहाँ गया है, सबसे ज्यादा सारा यही भिखारी है। दीने दीना उसको पहचान ना सके। सुखनी सुखवान, जब सुखी लोग देखे जाते हैं तो उसमें वो महासुखी देखा जाता है। भोगिनी प्राप्त भोग, जहाँ महाभोगियों का स्थान रहता है वहाँ पर उसको जो ईश्वर द्वारा प्राप्त भोग प्राप्त हो जाता है वो महल में भी रहता है। कोटि महल का जोगी बाबा कोटि महल का भोगी, कोटि महल का जोगी और कोटि महल का भोगी, उसके लिए भोग और महल और जंगल जहाँ एक ही प्रतीत होते हैं, परमात्मा और उसकी माया और उसकी सृष्टि एक ही प्रतीत होती है। साम्यावस्था में उसमें एक रंच मात्र भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता, वह योगियों में महायोगी है, वह साक्षात वही है। मूर्खो मूर्खो, मूर्खों में मूर्खों की तरह बैठा रहता है, कुल मूर्ख बतियाएंगे तो उसमें वो अब महामूर्ख की तरह बतियाएगा, जैसे लगेगा इससे बड़ा बेवकूफ तो था ही नहीं, तो पहले से कहां बैठा हुआ था। माने जैसे उसके बाह्य आवरण से उस योगी को पहचानना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। युवती सु युवा वाग्मिनी प्राढ़ वाग्मी, जहां विद्वानों के शास्त्रार्थ होगा तो वहां आदि शंकराचार्य को परास्त कर दे। धन्य हो भी त्रिभुवन जयी, माँ की कृपा और बाबा की कृपा से उसका पुत्र अजेय है, अजेय है, चराचर जगत के लिए अजेय है वह, उसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका कोई आकलन भी नहीं कर सकता। गुरुपुत्र सदैव अजेय है, गुरुपुत्र सदैव विजयी है, गुरुपुत्र सदैव महासिद्ध ही है, वो साक्षात शिव ही है। जो भगवती को धारण कर रहा है वो संसार को भी धारण कर रहा है। जब माँ की धारणा हो जाती है तो संसार की धारणा हो जाती है। जब माँ को हम हृदय में धारण करते हैं तो संसार तो धारण हो ही जाता है, क्योंकि माँ संसार को धारण कर रही है। और जब बाबा को धारण करते हैं तो आत्मा को धारण करते हैं, माँ सहित संसार सहित जिसको धारण करते हैं वो भगवान देवाधिदेव महादेव को धारण करते हैं। वो महत्त्व है, महान है, महाविभूति है। इसलिए माँ को धारण करो, संसार सहित माँ को धारण कर लो, और संसार और माँ सहित बाबा को धारण कर लो, तो अपने स्वरूप में नित्य निरंतर बने रहो। न जन्म है न मृत्यु है, न संसार है न आना है न जाना है, न कुछ होना है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होना है, अपने स्वरूप का बोध होना है, आत्मबोध होना है। इसलिए आज के दिन हम लोग गुरु से प्रार्थना करें। देवाधिदेव आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान, जो केवल ब्रह्म ज्ञान ही प्रदान करने का उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का उदय होता है, गुरु से कहना नहीं पड़ता, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने टॉर्च जला दिया, बत्ती जला दी, तो लाइट अपने आप जल जाती है, कहना नहीं पड़ता कि जले, टॉर्च जलाने से प्रकाश जैसे स्वयं हो जाता है। तो यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, गुरु का तात्पर्य यही है कि अज्ञान और अंधकार नष्ट कर दे। तो जैसे ही गुरु का स्मरण किया
वैसे ही अज्ञान अपने आप नष्ट हो गया। निवशतु मे नित्यम श्री गुरु और दिव्य दृष्टि, गुरु मेरे हृदय से मैं निवास करें। गुरु से सदैव यही प्रार्थना करें कि गुरु मेरे हृदय में निवास करें, मेरी आंखों से गुरु देखें, मेरे मुख से वो भोजन करें, मेरी जिह्वा से बोले, मेरे पैरों से मेरे गुरु चलें। वो जिस गुरु जिस बिस्तर पर सोए वो बिस्तर मैं ही हो जाऊं, जिस पर वो पैर रखे वो पैर उस जमीन मैं ही हो जाऊं। मेरे गुरु से जहां बैठे हैं चक्रवर्ती, उधर से हवा आए तो वो हवा हमें ही लगे, मैं उनके लिए हवा बन जाऊं, मैं उनके लिए पंखा बन जाऊं, उनके सुख के लिए मैं सब कुछ बन जाऊं। गुरु का निरंतर इस प्रकार से व्यापक स्मरण करता हुआ उनका पुत्र सदैव अजय ही है, सदैव शिव ही है। आज का हम लोग ये विषय यहीं रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं आदि गुरु दत्तात्रेय का, और भगवान का महासंकीर्तन करते हुए समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं अभिहितं वा सर्वविहितक्षमस्व। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। हे देवाधिदेव भगवन, आपके स्थान पर बैठ करके हम लोगों ने आपके चर्चा की है। यदि किसी भी तरह से कोई प्रमाद वाणी से मन से कुछ भी अशुद्ध हुआ हो तो उसे आप क्षमा कर दें। आप क्षमाशील माँ की तरह सदैव कारुणिक हैं। हे गुरु, सदैव आप कारुणिक हैं। अपने बच्चे के समस्त अपराधों को क्षमा करके अपने श्री चरणों में सदैव इसी प्रकार स्थान दें। सदैव हमें आपका स्मरण बना रहे, आपकी कृपा निरंतर बनी रहे, यही अमोघ आशीर्वाद आज के दिन मुझ हम लोगों को प्रदान करिए। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्ता।